हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। लेकर मैं आ गया हूँ 31 मार्च 2020 का नवरत्न करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू किया जाए। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया पूरे दुनिया भर के लिए? तो ये 30 मई को है और भारत में 1 जुलाई को मनाया जाता है। 30 मई को ही राजस्थान में राजस्थान स्थापना दिवस मनाया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, वहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र, वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं। कोरोना स्टडी सीरीज कौन लॉन्च करेगा? एनबीटी का फुल फॉर्म ध्यान दीजिए, नेशनल बुक ट्रस्ट होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये बताना है कि राजस्थान में कौन कौन से नृत्य होते हैं। नवीन चिकारा को किस खेल से 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है? शॉर्ट पुट। राजस्थान के नृत्य जान लीजिए, कठपुतली नृत्य, सुईसीनी, घूमर, पनिहारी, कालबेलिया, चाकरी, तेरह ताली, भवाई नृत्य, ये सारा है। नीचे कमेंट करिए जो जो बोले हैं। कोरोना को रोकने के लिए टीम 11 कौन बनाया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार बनाए हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, फायरब्रांड नेता बीजेपी के, और वहां के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। कोविड-19 के लिए 24/7 राष्ट्रीय हेल्पलाइन केंद्र का शुभारंभ किसने किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो इनका नाम लेने से पहले आप ये जान लीजिए, ये भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। तो इनका नाम अदब के साथ लीजिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। क्या बात है, लाइक ठोक दीजिए इसी दाम पे। ICICI बैंक किस ऐप के साथ बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की है? तो ये व्हाट्सएप के साथ शुरू की है। व्हाट्सएप जाना माना ऐप है और चैटिंग के लिए वर्ल्ड का नंबर वन कह सकते हैं। मारिया टेरेसा कहाँ की राजकुमारी थी? दोस्तों ये स्पेन की राजकुमारी थी। बड़ा ही दुखद अंत हो गया इनका कोरोना वायरस के चलते। गो कोरोना गो, नो मोर गो। गृह शिक्षण कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो ये गुजरात में हुआ है। गुजरात का इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लें, राजधानी गांधीनगर, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री हैं विजय भाई रूपानी। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 कहाँ होगा? तो पेरिस फ्रांस में होगा। और 2028 वाला कहाँ होगा? लॉस एंजिलस USA में होगा। 2021 वाला कहाँ होगा? टोक्यो जापान में होगा। दोस्तों मारिया टेरेसा बहुत ही अच्छी राजकुमारी थी, अब नहीं रही। कोरोना वायरस जल्दी चले जाओ इस दुनिया से।